बच्चों एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं केमिकल काइनेटिक्स का, आप जरा ये देखो बच्चों, जी 2019 का क्वेश्चन है ये, हमें डाटा दे रखा था क्वेश्चन के अंदर है, हमसे पूछा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, एक तो ये चीज कैलकुलेट करनी है और एक चीज कैलकुलेट करनी है के, दो चीज कैलकुलेट करनी है, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट करना है और एक के कैलकुलेट करना है। बच्चों यहां पर शॉर्टकट से करेंगे क्वेश्चन। अच्छा आप नोट करो, नोट करो बच्चों, अगर मैं बी का कंसेंट्रेशन चेंज करता हूं, अगर मैं बी का कंसेंट्रेशन चेंज करता हूं तो रेट चेंज नहीं हो रहा, बी का कंसेंट्रेशन चेंज करने पे रेट चेंज नहीं हो रहा, रेट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर कौन सा होगा, जीरो। समझ गए ना, नहीं समझे? बी के कंसेंट्रेशन को चेंज करने से रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और जब बी के कंसेंट्रेशन को चेंज करने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो, तो बी की कहानी तो खत्म हो गई। बोलो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो आ गया। अरे भैया इसका कंसेंट्रेशन चेंज करने पर रेट में कोई फर्क नहीं आया तो कौन सा ऑर्डर होता है, जीरो। अच्छा जरा ए का देखो, अगर मैं ए का कंसेंट्रेशन डबल कर रहा हूं, अगर मैं ए का कंसेंट्रेशन डबल कर रहा हूं, अगर मैं ए का कंसेंट्रेशन डबल कर रहा हूं, बच्चों मैंने देखा ए का कंसेंट्रेशन डबल कर रहा हूं, बच्चों ए का कंसेंट्रेशन मैं डबल कर रहा हूं, ए का कंसेंट्रेशन डबल करने पे रेट भी डबल हो रहा है, ए का कंसेंट्रेशन डबल करने पर रेट भी डबल हो रहा है, इस वैल्यू को सुधार कर लो यहां पर, ए का कंसेंट्रेशन डबल करने पे रेट भी डबल हो रहा है, मेरे प्यारे बच्चों सुन रहा ना, ए का कंसेंट्रेशन डबल करने पे रेट भी डबल हो रहा है, तो 2 की पावर कितना रखूं कि 2 आ जाए, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो a के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू a, a के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आ रहा है, a के विद रिस्पेक्ट टू a जो ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है 1, और b के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आ रहा है वो ऑर्डर आ रहा है 0। a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ रहा है 1, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ रहा है 0, विद रिस्पेक्ट टू a ऑर्डर इज 1, विद रिस्पेक्ट टू b ऑर्डर इज 0। कैसे किया? अगर मैं B का कंसेंट्रेशन चेंज करता हूं, अगर मैं B का कंसेंट्रेशन चेंज करता हूं, शिवम राठौर सुन रहे हो, B का कंसेंट्रेशन अगर मैं चेंज करता हूं तो रेट क्या है, कांस्टेंट, तो B के कंसेंट्रेशन चेंज करने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑर्डर जीरो। A का कंसेंट्रेशन अगर मैं डबल कर रहा हूं फर्स्ट और थर्ड में तो रेट भी डबल हो रहा है, तो इसका मतलब A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1। अब किसी भी एक इक्वेशन बना लो, अच्छा बताओ इसका रेट क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का रेट क्या होता है, जरा बताओ बच्चों, मैं यहां रफ करके लिखूं क्या, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो, बच्चों फर्स्ट ऑर्डर का रेट लिख दूं क्या, ये रफ कर दूं, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब जरा मेरी बात समझो, अगर मैं किसी भी इक्वेशन का रेट लिखूं तो बताओ फर्स्ट इक्वेशन का रेट क्या होगा, 6.93 इंटू 10 की पावर माइनस 3 के, 0.1 की पावर एक्स और 0.2 की पावर वाई, है ना। तो आपने बी के रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर निकाल लिया है, B के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0, तो ये तो हटा दो, तो 6.93 इंटू 10 की पावर माइनस 3 के 0.1 की पावर 1, बोलो 0.1 की पावर 1, तो बताओ ये कितना बचेगा, ये बचेगा 6.93 इंटू 10 की पावर माइनस 2 पर सेकेंड इज इक्वल टू के, फर्स्ट ऑर्डर के लिए k की यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड। स्कूल लेवल पर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम तीन इक्वेशन बनाते हैं, तीन इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं फिर करते हैं क्वेश्चन, अभी एक और कराऊंगा क्वेश्चन उससे समझ में आएगा, रफ कर दो इसको, के निकालना था, आसान क्वेश्चन था जी में है, ऑर्डर निकालना था कि ऑर्डर की मदद से फिर के निकालना, अगर कंसेंट्रेशन चेंज करने पर रेट चेंज नहीं हो रहा तो वो ऑर्डर जीरो है, कंसेंट्रेशन को डबल करने पर रेट डबल हो रहा है तो ऑर्डर 1। बोलो कंसेंट्रेशन को डबल करने पर अगर रेट डबल हो रहा है तो ऑर्डर 1 है, और कंसेंट्रेशन को डबल करने पर अगर रेट चेंज नहीं हो रहा तो ऑर्डर 0। अच्छा एक क्वेश्चन आया आईआईटी में, जी में 2007 एडवांस, ए जी प्लस बी एच चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, बताओ इसका रेट क्या होगा, रेट होगा के जी की पावर एक्स एच की पावर वाई, इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं जी का कंसेंट्रेशन डबल कर दूं, जी का कंसेंट्रेशन डबल कर दिया तो रेट 2 टाइम्स हो गया, रेट डबल हो गया, इक्वेशन बना, तो साफ समझ में आ रहा है जी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होगा, साफ समझ में आ रहा है जी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होगा, जी का कंसेंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल हो रहा है, बताओ क्या हो गया, 2R
के 2g की पावर x, h की पावर y, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, 2g की पावर x, h की पावर y, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन बताओ क्या हुआ, थर्ड में कह रहा है कि g को डबल कर दो, h का कंसेंट्रेशन भी डबल कर दो, रेट 8 गुना हो गया, रेट 8 टाइम्स बढ़ गया, रेट 8 टाइम्स बढ़ गया, g का डबल करो, h का डबल करो, रेट 8 गुना बढ़ गया, g का डबल करो, h का डबल करो, रेट 8 गुना बढ़ गया, 8r इज इक्वल्स टू k 2g की पावर x 2h की पावर y। बोलो थर्ड इक्वेशन। अब मैं इसको ट्रिक से बताता हूं, देखो g का कंसेंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल हो रहा है, तो दो गुना तो इसके कारण बढ़ा रेट, दो गुना तो g के कारण बढ़ा, अगर मैं h का भी डबल कर दूं तो 8 टाइम्स बढ़ रहा है, टोटल 8 टाइम्स बढ़ रहा है ना, g के कारण डबल बढ़ा है, तो h के कारण कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना, h के कारण 4 गुना बढ़ेगा ना भाई, g के कारण डबल हो रहा है, और h के कारण कितना होगा, तो g के कारण तो डबल रेट बढ़ा था, ये तो 8 गुना हो गया, तो इसका मतलब 4 गुना h के कारण बढ़ा है, तो 2 की पावर कितना रखूं कि 4 आ जाए, बताओ, अभी भी नहीं समझी बेटा, 2 गुना तो रेट इसके कारण बढ़ा है, तो अब एच के कारण कितना रेट बढ़ेगा, 4 गुना, तो 2 की पावर कितना रखूंगी, 4 गुना बढ़ जाए, तो 2 की पावर 2 रखूंगा, तो वाई की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, बट अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लीजिए, बेटा टोटल रेट 8 गुना बढ़ रहा है, तो 2 गुना तो जी के कारण बढ़ रहा था, तो जी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो फिर बचा 8 गुना में से 2 गुना तो इसके कारण बढ़ रहा था, तो बचा कितना, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स एच के कारण बढ़ेगा, 4 टाइम्स एच के कारण कब बढ़ेगा, जब 2 की पावर कितनी होगी, 4 आ जाए, तो 2 की पावर 2 होगी, तो y की वैल्यू शॉर्टकट से निकालेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी और x की वैल्यू 1 आएगी। चलिए ऐसा नहीं करते हैं, दो ऐसी इक्वेशन ले लो जिसमें x कैंसिल हो जाए y आ जाए, दो ऐसी इक्वेशन ले लो जिसमें y कैंसिल हो जाए x आ जाए, तो इक्वेशन नंबर सेकंड को अगर मैं फर्स्ट से डिवाइड करूंगा तो y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 2, तो x बराबर आ गया, x बराबर 1 हो गया। बोलो बच्चे, अब अगर मैं थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर दूं सेकंड से, तो ये बचाओ क्या बचा, 8 इज इक्वल्स टू, 8 इज इक्वल्स टू, बच्चों थर्ड इक्वेशन को सेकंड से, 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर y, 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर y, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर y, तो y बराबर 2 आ गया। अरे थर्ड इक्वेशन को 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो 4 आएगा ना, और ये क्या बचेगा, 2 की पावर y बचेगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने दो ऐसी इक्वेशन ले ली जिसमें x कैंसिल हो गया, दो ऐसी इक्वेशन ले ली जिसमें y कैंसिल हो गया, तो g के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया, विद रिस्पेक्ट टू g ऑर्डर क्या आ गया 1, विद रिस्पेक्ट टू h ऑर्डर क्या आ गया 2, टोटल ऑर्डर कितना आ गया, टोटल ऑर्डर आ गया 3, नोट कर, टोटल ऑर्डर आ गया 3, नोट कर लिया, दो ऐसी इक्वेशन ले ली जिसमें x कैंसिल हो गया y आ गया, दो ऐसी इक्वेशन ले ली जिसमें y कैंसिल हो गया x आ गया, आसान है, ऐसे भी कर सकते हैं नॉर्मल मेथड।